हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज होने पर आपके लिए कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? तो जो सबसे पहला रिस्क होता है वो होता है हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहने का। और इसके अलावा प्रीक्लैम्पसिया का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रीक्लैम्पसिया का मतलब होता है कि आपके हाथ पैरों और बॉडी में सूजन आना और आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना। दूसरा रिस्क हो जाता है पॉलीहाइड्रोनियोस के लिए, यानी कि आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और जो तीसरा रिस्क हो जाता है वो होता है टाइम से पहले डिलीवरी का। और जो चौथा रिस्क हो सकता है वो होता है आपकी इमरजेंसी सी सेक्शन होने का। पांचवा रिस्क होता है कि इसमें प्री मेच्योर डिलीवरी होने की वजह से आपके ट्वींस को एनआईसीयू की भी जरूरत पड़ सकती है। और छठवां रिस्क हो सकता है नवजात हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपके एक या फिर दोनों बेबी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहना। और सातवां रिस्क होता है आपके बेबी और श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए बढ़ा रिस्क। आठवां जो रिस्क होता है वो होता है नवजात पीलिया, जिस वजह से आपके बच्चों को फोटोथेरेपी की भी आवश्यकता हो सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।